गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई रियली होप दैट यू ऑल आर वॉचिंग अवर वीडियोस सिंसियरली. ओके, आई वेलकम यू बैक टू अवर ग्रामर क्लास. इन टुडेस लेक्चर आवर टॉपिक इज एंटोनिम्स. व्हाट इज आवर टॉपिक? एंटोनिम्स. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज एंटोनिम्स? तो एंटोनिम्स इज अ वर्ड. Antonym is a word which is opposite in meaning. Opposite किस में होना चाहिए? उसके meaning में, to another word. Okay? एक word है, okay, उसके opposite meaning में दूसरा word होना चाहिए. For an example, empty. Empty means, empty का meaning होता है खाली. Empty means खाली. तो उसका ऑपोजिट होता है फुल. फुल मींस जो भरा हुआ. ओके, सो द ऑपोजिट ऑफ एम्प्टी इज फुल. सेकंड, अटैक. अटैक मींस मारना किसी को. अटैक, तो अटैक का ऑपोजिट मींस बचना, डिफेंस. क्लियर? थर्ड इज एंटोनिम. खुद एंटोनिम मींस ऑपोजिट एंड सिनोनिम मींस मीनिंग. तो एग्जाम्पल जैसे कि एबो. एबो मीन्स ऊपर एंड बिलो मीन्स नीचे. तो हुए अब एक दूसरे के ऑपोजिट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी एंटोनिम्स फ्रॉम अवर बुक. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक. इन दैट पेज नंबर 93, अवर टुडेज टॉपिक इज एंटोनिम्स. What is antonyms? Antonyms is a word which is opposite in meaning to another word. जो word हमें दिया है उसका opposite meaning होना चाहिए. अगर हम उसका जो word लिखें दूसरा, उसका meaning उससे उल्टा होना चाहिए. Okay, let's see it. First is accelerate. Accelerate का opposite retard. Retard. Second, agree. Agree opposite of agree is disagree. Okay. Third is alive. Alive ka opposite dead. Fourth, ascend. And opposite of ascend is descend. Sixth word is asleep. The opposite of asleep is awake. Seventh is assemble. Assemble yani ki ek saath jodna. उसका ऑपोजिट डिस्पर्स, बिखेर देना. एट, ऑथेंटिक. ऑथेंटिक मींस अप्रूव्ड वाला, साइंड वाला. इसका ऑपोजिट है स्पूरियस. नाइन्थ इज बैकवर्ड्स. द ऑपोजिट ऑफ बैकवर्ड इज फॉरवर्ड. टेंथ इज ब्यूटिफुल. द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटिफुल इज अगली. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 11, बेंट का ऑपोजिट स्ट्रेट. 12, बेटर वर्स. 13th इज ब्लेस, यानी कि उसका ऑपोजिट होता है क्योर्स. 14, ब्रीव, उसका ऑपोजिट कोवर्ड. 15th, ब्राइट. ऑपोजिट ऑफ ब्राइट विल बी डल. 16, ब्रोड. 17, उसका ऑपोजिट ब्रोड यानी बड़ा. और इसका ऑपोजिट नैरो यानी कि शॉर्ट. 17th इज ब्रूटल. वाइल्ड का ऑपोजिट काइंड. ब्रूटल मींस वाइल्ड, ऑपोजिट काइंड. 18, बिल्ड. बिल्ड का ऑपोजिट डेमोलिश. 19, कैप्चर. कैप्चर का ऑपोजिट रिलीज. कैप्चर मीन्स पकड़ के रखना और उसको उसका ऑपोजिट छोड़ देना, रिलीज. 20, चीयरफुल का ऑपोजिट ग्लूमी. चीयरफुल का ऑपोजिट ग्लूमी. 21, सर्टेन डाउटफुल. 22, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड. कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड. 23, डेंजरस का ऑपोजिट सेफ. डेंजरस सेफ. 24th इज डीप एंड उसका ऑपोजिट आता है शैलो. डीप यानी बहुत ज्यादा नीचे, खाई, बहुत गहरी खाई. ठीक है, तो वो डीप और छोटा हो तो शैलो. 25th इज डिफीट, यानी किसी को हराना.
हार जाना और विक्ट्री यानी जीत जाना. तो डिफीट का ऑपोजिट विक्ट्री. सो स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट इज 26 डिफेंड. डिफेंड का ऑपोजिट एक्यूज. डिफेंड मीन्स किसी को बचाना. ठीक है. व्हाट इज 26 नंबर डिफेंड. उसका ऑपोजिट एक्यूज. 27th इज एम्प्टी. एम्प्टी का ऑपोजिट फुल. ओके. नेक्स्ट इज 28 नंबर दैट इज एक्सटीरियर का ऑपोजिट इंटीरियर. 29 एनिमी यानी कि दुश्मन का ऑपोजिट फ्रेंड. 30th इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का ऑपोजिट चीप. 31 इज एग्जिट. तो ऑपोजिट होता है एग्जिट का एंट्रेंस. ओके स्टूडेंट्स. सो 1 to 31 विल कम इन योर यूनिट टेस्ट 1. सो स्टूडेंट्स आई होप नाउ द कंसेप्ट ऑफ एंटोनिम इज क्लियर टू यू. ओके गो थ्रू द वीडियो लर्न ऑल द एंटोनिम्स. ओके स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वी विल सॉल्व इन